नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। कृषि कानूनों को लेकर पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे किसानों के साथ केंद्र सरकार की शनिवार को पांचवें दौर की बातचीत में भी कोई समाधान नहीं निकला। अब 9 दिसंबर को सरकार और किसान संगठनों के बीच फिर से बातचीत होगी। सरकार ने किसानों के सामने 9 दिसंबर को फिर से बैठक का प्रस्ताव रखा, जिसे किसान नेताओं ने मान लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे दिल्ली में संसद भवन की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने पीएम मोदी से उनके घर मुलाकात की और इसके लिए उन्हें न्योता दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली के अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। साथ ही सिसोदिया ने सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च करते हुए कहा कि किसी भी जरूरतमंद को अपने 5 किलोमीटर के दायरे में ये सुविधा मिल पाए, इसलिए हमने मेरा कोविड केंद्र ऐप का लोकार्पण किया। यूपी में किसान बिल को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को इटावा में आक्रोशित किसान सड़क पर उतर आए और मार्च करते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाम लगा दिया। फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन मस्जिदों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है, जिन पर उन्हें इस्लामिक कट्टरपंथ, अलगाववाद और चरमपंथ को बढ़ावा देने का संदेह है। गृहमंत्री जेराल्ड डर्मिनिन ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा कि कुछ मस्जिदों को बंद किया जा सकता है अगर उन्हें आतंकवाद या अलगाववाद को बढ़ावा देते हुए पाया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार और किसान नेताओं के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में पांचवें दौर की बातचीत चल रही है। इसी बीच पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत सिंह दोसांझ शनिवार को सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने के लिए पहुंचे। अमेरिका के बाद चीन चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अमेरिका ने लगभग 50 साल पहले ही चंद्रमा पर अपना झंडा फहरा चुका था। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने चंद्रमा पर फहराए गए अपने झंडे का फोटो शेयर किया है, जो कि चांग 5 स्पेसक्राफ्ट से लिया गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बारे में केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि कोवैक्सीन 2 खुराक वाली एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को वैक्सीन के 3rd चरण के ट्रायल में पहली खुराक ही दी गई थी, अभी उनमें एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज में दूसरे T20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को चोट के चलते बाकी बची T20 सीरीज से बाहर कर दिया गया है। रविंद्र जडेजा के T20 टीम से बाहर होने के बाद तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।